दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मागे प्रदेश का। आज बात उपचुनाव के दंगल की। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी अखाड़े में बयान को दांव पेच भी बदलते हुए चले जा रहे हैं। तो आपको हम दिखा देते हैं कुछ तस्वीरें। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, रामपुर से मैनपुरी तक और खतौली के अखाड़े में क्या चल रहा है। उपचुनाव की जंग के बीच समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंची है और सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वहीं खतौली में जहां धर्म सिंह सैनी के घर वापसी होने वाली थी, ऐन मौके पर टल गई। उधर रामपुर में आजम का दर छलका है, लेकिन अब बिगड़े बोल सियासी संग्राम में भावी हैं, लेकिन भाजपा के चक्रव्यूह में क्या शिवपाल फंस गए हैं, जिनके बचाव के लिए पूरा मुलायम परिवार अब साथ आ गया है, बन्नू बन गया है। उपचुनाव किरण के सियासी सीन पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उपचुनाव की सबसे बड़ी जंग रामपुर से मैनपुरी तक दंगल। खतौली में भाजपा का खेला वोट युद्ध का सबसे बड़ा मेला। और मुझे लगता है कि रामपुर, मैनपुरी और खतौली तीनों जगह हम लोग जीत रहे हैं, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें विपक्षी नेता कर रहे हैं। रामपुर में आजम का आंसू वाला दांव, बेतुके बोल पर छिड़ा सियासी संग्राम। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूँ। चुनाव आयोग की चौखट पर सपा पेंडुलम वाले बयान पर कहर बरपा। सत्ता जो आदमी को भ्रष्ट बना देती है, और परम पूरी सत्ता जब हो जाए, दोबारा हो गए ना, तो पूरी तरह से भ्रष्ट बना देती है, तो चाहे भ्रष्ट आदमी चाहे जो कह सकता है। शिवपाल के खिलाफ भाजपा का चक्रव्यूह, मुलायम परिवार बना अभिमन्यु। और मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करे, ताकि चुनाव आयोग पर किसी को अंगुली उठाने का मौका न मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रिवर फ्रंट का केस खोल देना, सिक्योरिटी कम कर देना या कार्यालय वापस लेना, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। और मुझे तो डर है कहीं आतंकवादी ना घोषित कर दें। ये देखिए, ये विभिन्न एजेंसियाँ इसके लिए काम करती हैं और वो बता पाएंगे क्या स्थिति है। हमारे पास अभी इस प्रकार की कोई पत्रावली नहीं है, लेकिन इसमें जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जो जाँच एजेंसियाँ हैं, वो अच्छी बेहतर बता सकते हैं। धर्म सिंह सैनी की घर वापसी टली, उपचुनाव की हवा किस ओर चली। शिवपाल के आंसू, अखिलेश के अंगारे, चुनावी चक्रव्यूह में कौन बेसहारा, कौन किनारे। मैनपुरी के महायुद्ध में शोलो भरा संदेश, उत्तर मांगे प्रदेश। तो चाहे बात मैनपुरी के करें, खतौली के करें, रामपुर के करें, हर जगह दांव की बौछार है। तीनों सीटों पर उपचुनाव में सियासत ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। शिवपाल के बंगले के आवंटन पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जानकारी मिल रही है। आवंटन पर संकट के बादल हैं और शिवपाल के आवास का आवंटन निरस्त करने पर विचार है। यूपी सरकार की सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी है और आरोप ये लगाया है कि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उपचुनाव में प्रचार के दौरान आजम खान का दर्द एक बार फिर से छलका है और उन्होंने यूपी सरकार पर शायरी से आरोपों की बौछार की है। वोट मांगते वक्त हालांकि उनके बोल भी थोड़ा बिगड़ गए। वहीं खतौली की बात करें तो सीएम योगी ने हुंकार भरी, विरोधियों पर सीएम ने प्रचंड प्रहार किया, लेकिन धर्म सिंह सैनी जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, भाजपा में फिर से उनकी ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर कुछ हुआ और उनकी ज्वाइनिंग टल गई। अब कहा जा रहा है कि 2 दिन के बाद मेरठ में ये ज्वाइनिंग हो सकती है। तो हर जगह जो पूरा मामला है वो दांव पेच का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब हमारे साथ जो कुछ खास मेहमान हैं उनका रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं उनका भी रुख करेंगे। और हमारे साथ आलोक वर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा, रामपुर से वैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ी देर में मैनपुरी से नितिन जुड़ेंगे और खतौली से सनुज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आलोक जी आपके पास आते हैं, सनुज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, ये बताइए कि जिस तरीके से दांव पे चल रहा है, सियासत का आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसमें आजम खान ने एक बात आज और कही। उन्होंने कहा कि 4 सरकारों में अगर हम बीजेपी की तरह काम करते तो जन्म लेने वाला बच्चा भी जन्म लेने से पहले सोचता। यहां तक जंग पहुंच गई, ज्यादा परेशान कर दिया क्या आप लोगों ने?
क्या आजम खान की बातों को आप गंभीरता से लेते हैं? मुझे तो याद है जब रामपुर की सीट वो हारे थे तब उन्होंने कहा कि बेईमानी हुई है, हमारे वोटर्स थे उनको वोट डालने नहीं दिया गया। अभी कल परसों जो उन्होंने मंच पर भाषण दिया, रो रो के जो भाषण दिया, उसमें वो कह रहे थे कि आप वोट डालने नहीं निकले, आप घरों से नहीं निकले, आप नैनीताल चले गए, आप एसी की हवा खा रहे थे, आप कूलर की हवा खा रहे थे। दो चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती। प्रशासन और शासन अगर बेईमानी कर रहा था तो ये संभव नहीं। और दूसरी बात, अगर लोग वोटरों ने आपको वोट नहीं दिया तो ये दो बातें अलग अलग हैं। तो आजम खान अपनी सुविधा अनुसार कोई भी बात कर लेते हैं। अरे साहब, आपने जो गुनाह किया है उसके लिए आपको जेल नहीं मिलनी चाहिए तो क्या मिलनी चाहिए? अच्छा आप बताइए, मुझे बताइए कि अपने बेटे को, अगर नाबालिग बेटा है, उसे बालिग बनाने की इतनी जल्दी क्या थी आजम खान को? क्यों उन्होंने फर्जीवाड़ा किया? क्यों उन्होंने सर्टिफिकेट में नहीं, वो तो ये भी पूछ रहे हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लोग भाजपा में भी हैं, बुलडोजर और कार्रवाइयां सब रामपुर ही क्यों घूम गई और कोई रास्ता दिखा नहीं कार्रवाइयों का? अरे बताइए ना साहब, भारतीय जनता पार्टी में कौन है जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती और आप जैसा करप्शन उसने किया हो? मैं तो ये मानता हूँ और आप भी इसी अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, योगी जी के शासनकाल में, जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी अनैतिक काम करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। वो किसी भी पार्टी का हो, वो भारतीय जनता पार्टी का भी हो या किसी और पार्टी का भी हो। ठीक है, इस पर बहस चल रही है और आज खतौली में जब मुख्यमंत्री ये पहुंचे तो उन्होंने याद भी दिलाया वहां की जनता को कि मैंने आपसे वादा किया था कि 10 मार्च के बाद मैं गर्मी शांत कर दूंगा, शिमला मनाली का मौसम आ जाएगा, वो बात उन्होंने याद दिलाई। और खतौली का ही रुख कर लेते हैं, सनुज हमारे साथ बने हुए। सनुज, जो था पूरा भाषण था मुख्यमंत्री का, बुलडोजर का जिक्र किया उन्होंने, सुशासन का जिक्र किया, जो गर्मी और ठंडी की बात थी उसका भी जिक्र किया उन्होंने, ये सैनी साहब का मामला कैसे गड़बड़ा गया अचानक? वो भी आज मंच पर होने थे। हाँ देखिए, तमाम तैयारियां कर ली गई थी। लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार विपक्षी पार्टियों में सेंध लगाने का काम कर रही है। तमाम तैयारियां कर ली गई थी, उन्होंने भी दावा कर दिया था, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो दबी जबान जरूर कह रहे थे कि उनको यहां पर ज्वाइन कराया जाएगा, लेकिन कुछ नेता ये कह रहे थे कि मामला अभी थोड़ा खटाई में पड़ गया। उसके पीछे की क्या वजह है? पूरी तैयारी थी, हजारों उनके समर्थक थे। सुनने में ये आ रहा है कि कुछ जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इस बात का विरोध जता दिया था कि अगर धर्म सिंह सैनी की वापसी यहाँ पर कराई गई तो तमाम परेशानियाँ हो सकती हैं, इसलिए इस मामले को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया है। लेकिन चर्चा बहुत थी कि यहाँ पर बीजेपी बड़ा खेला करने जा रही है और यहाँ पर धर्म सिंह सैनी जो है वो आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने घर वापसी कर सकते हैं। चुनाव से ठीक, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आयुष मंत्री थे, 4 बार विधायक रहे हैं, अचानक से बीजेपी को छोड़ा, समाजवादी पार्टी में चले गए, जीत नहीं मिली तो फिर से घर वापसी करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी घर की वापसी में कई लोग रोड़ा बन गए हैं और शायद इसीलिए आज यहां जो घोषणा की जा रही थी, जो तमाम चीजें कही जा रही थी कि आज आ सकते हैं, वो नहीं आए। मामला क्या है इसको लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, तमाम जो बहस है वो छिड़ गई है। रही बात मुख्यमंत्री की, तो देखिए मुख्यमंत्री आज यहां खुलकर बोले, कवाल के बवाल का उन्होंने कई बार जिक्र किया और सबसे बड़ी बात यह रही कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को पूरी तरीके से निशाने पर रहा। सीधा कहा कि जिस वक्त यहां पर दंगे हो रहे थे और जो कवाल की घटना ये हुई थी, तब समाजवादी पार्टी उनका जो समर्थन है वो कर रही थी और राष्ट्रीय लोकदल पर आरोप लगाया कि राष्ट्रीय लोकदल दाल में तड़का लगा रही थी। कई बार उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी के नेता आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, लोकदल के नेता क्यों नहीं आए थे? जब कवाल का, सचिन और गौरव का मुख्यमंत्री ने यहां 3 बार नाम लिया और सीधा कहा कि यहां राजनीति का अपराधीकरण ना होने दे, कुछ कसर रह जाएगी तो बुलडोजर पूरी कर देगा। यानी मुख्यमंत्री का जो हर सियासी तीर था वो बिल्कुल निशाने पर था। पूरी ये बताने की कोशिश करी कि 2017 से पहले की खतौली की बात हो या मुजफ्फरनगर की बात हो, किस तरह की स्थिति थी और अब किस तरह की, बिल्कुल सारी चीजें उन्होंने याद दिलाई। दूसरा सबसे बड़ा जो यहां पर खेला हुआ वो ये, बिल्कुल जो दूसरा यहां पर खेला हुआ ये, आप देखिए कि जो प्रदीप ठाकुर हैं वो प्रत्याशी यहाँ निर्दलीय लड़ रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के मंच पर आकर उन्होंने भी सीधा यहाँ पर राजकुमारी सैनी को समर्थन कर दिया और जो कवाल में जो गौरव मारे गए थे, जो गौरव के पिता हैं, उनकी माता यहाँ से चुनाव लड़ रही है, निर्दलीय ताल ठोकी थी लेकिन गौरव के पिता ने यहाँ आकर समर्थन कर दिया। तो ये बड़ी चीज यहाँ पर देखने को मिली है, पूरी जोर आजमाइश, पूरी कोशिश कह रहे हैं ना कि आज मुख्यमंत्री यहाँ जो सियासी पारा है वो जमीन पर नहीं रहा, सियासी पारा आसमान पर, बिल्कुल आसमान पर था, लेकिन आसमान पर रामपुर का भी सियासी पारा है और वहां पर जो इमोशन फैक्टर आया है, आंसू फैक्टर आया है, उन सब के बीच एक नया तड़का उबैदुर रहमान आजम खान ने लगाया है।
और उन्होंने ये कहा कि चार बार हम भी सत्ता में रहे, अगर हम भी कुछ कर देते तो पैदा होने से पहले बच्चा भी सोचता, इस स्तर पर चीजें आ गई। जी बिल्कुल, अब देश जो रामपुर का चुनावी माहौल है वो गर्म हो चुका है। आजम खान पिछले 3-4 दिन से जो सभाएं कर रहे हैं और जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो जाने जाते हैं कि अपने बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, तो आजम खान ने पूरे चुनावी माहौल को रामपुर में बदल के रख दिया है। एक के बाद एक वो सभाएं कर रहे हैं, हर रोज़ एक सभा उनकी हो रही है और वो कभी इमोशनल हो रहे हैं, लोगों से 45 साल के अपने रिश्तों का वास्ता दे रहे हैं, अपने ऊपर हुई कार्रवाइयों का वास्ता दे रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 4 बार वो सरकार में मंत्री रहे हैं, अगर उन्होंने इस तरह की जुल्म और ज़्यादती की होती तो बच्चा माँ के पेट में पैदा होने से पहले ये पूछता कि आजम खान से पूछो कि बाहर आना है कि नहीं। ज़रूर ये आपत्तिजनक बयान है, लेकिन आजम खान अपने इसी तरह के अंदाज से पहचाने जाते हैं और हम रामपुर में देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से आजम खान ने माहौल को बदला है, तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो बहुत कांटे की टक्कर भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच में होती नज़र आ रही है। कल को अखिलेश यादव आ रहे हैं और फिर परसों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तो जो चुनाव आखिरी पड़ाव में है और जो चुनाव प्रचार है, जिस तरह से आजम खान जाने जाते हैं कि वो सभाओं के जरिए माहौल को बदल लेते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आजम खान अपनी उसी रणनीति पर चल रहे हैं ताकि जो रामपुर में उनकी पिछले 45 सालों से जो उन्होंने जनाधार पैदा किया है और वो इस बार भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, तो यही वजह है कि आजम खान अपने जो अंदाज है उसमें आ गए हैं और उसके साथ साथ इस बार वो अपने जज्बात बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि जनता क्या रुख लेती है। मेजर आशुष चतुर्वेदी जी, आपका भी स्वागत है, वो भी जुड़ गए हमारे साथ। चतुर्वेदी जी, सवाल मेरा यही है आपसे कि जो बात आजम खान ने कह दी, यही तो आरोप बीजेपी लगाती रही है कि असल में जो उनका असल में स्वभाव है यही है कि वो कुछ ऐसा करते हैं और बोलते हैं कि मामला बिगड़ जाता है। और अब जो उन्होंने बोला आपने सुना होगा, क्या लगता है कि इन चीज़ों से फिर बहुत ज़्यादा सकारात्मक या नकारात्मक असर पड़ जाता है इलेक्शन पर? देखिए, कहीं ना कहीं जो उनका बयान है वो उनके दर्द को बयान करता है। यहाँ समझना यह चाहिए कि अगर उन्होंने वाकई इतनी ज्यादतियां की होती तो आप छोड़ दीजिए कि एक बार चुनाव जीतना मुश्किल होता है और वो इतनी बार चुनाव कैसे जीत सकते थे। वो व्यक्ति, जनता आज किसी भी ऐसे व्यक्ति को दोबारा नहीं चुनेगी जो उसके खिलाफ काम करता हो, उनपे ज्यादती करता हो। तो ये जो दुष्प्रचार एक किया गया मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मैं समझता हूँ कि उनके बयान कुछ जरूर हैं जो गलत हैं, मैं मानता हूँ गलत हैं, और वो उनके निजी बयान हैं, वो पार्टी के बयान नहीं है। वो हमेशा कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहते हैं, अपनी बात को कभी कभी इस तरह कह देते हैं कि वो लोगों को बहुत चुभ जाती है, वो एक अन्य विषय है। लेकिन उन्होंने किया क्या है देखना हमें वो है, हमें ये नहीं देखना है कि किसने क्या बोला है, क्योंकि यहाँ लोग ऐसे भी हैं जो केवल बोलते रहते हैं और उनके बोलने में आप देखिए कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, खाने को है नहीं। भैया, कौन सी ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी? 121 देश के सूचकांक में आज 117वें नंबर पे आ गए हैं भुखमरी में हम, और ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी और विश्व गुरु बन जाएंगे और ऐसी बात है। तो फर्क है यहाँ कि हमने ये देखना है कि बोल क्या रहा है वो नहीं देखना है, कर क्या रहा है ये देखना है जमीन पे। तो वहां जो है कहीं ना कहीं वहां की जनता अभी भी जो है, मैं समझता हूँ आजम खान साहब के जो काम है जो उन्होंने वहां किया है, जो समाजवादी पार्टी ने जो किया है, जिसपे आज कहीं भी आप चले जाइए तो दिखाई देता है कि जो जो चीजें हम लोगों ने बनाई हैं उनपे केवल पत्थर जो है हटाए गए या उनके नाम बदले गए, अब जो नया विकास है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। और एक वक्त आता है कि जब धर्म जाति ये सब चीजें पीछे छूटने लगती हैं, जब खाने को जो है पेट में वो ठीक है, ये मुद्दा है इस तरीके की बात। हमारे साथ आलोक जी बने। आलोक जी, जो बात मेजर आशीष जी कह रहे हैं कि अगर आप भुखमरी के सूचकांक में आपकी हालत खराब हो जाए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें आपकी हालत खराब हो जाए, गिनी कोएफिशिएंट में आपकी हालत खराब हो जाए, तो क्या ये बातें अच्छी लगती हैं विश्व गुरु वाली? आप इनसे पूछेंगे तो इनको तो पूरा उत्तर प्रदेश गर्क में डूबा दिखता है। 2022 के इलेक्शन में भी इसी तरीके की बातें ये कर रहे थे। आप नतीजा देखिए ना, 37 साल बाद अगर योगी आदित्यनाथ जी दोबारा उत्तर प्रदेश के, नहीं वो अलग विषय है आलोक जी, आप तो सवाल का जवाब नहीं दे रहे होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया के सांसद ट्वीट करके तारीफ कर दे आपकी तो आप वो मान जाते हैं, पूरी बात और जो वैश्विक रिपोर्ट है वो आप लोग नहीं मानना चाहते। पूरी बात हो जाने दीजिए,
अगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी को चुना है तो इसलिए चुना है ना, दोबारा चुना है तो इसलिए चुना है क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश को बदला है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। इससे पहले का उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश क्या था? कहीं मुख्तार अंसारी हुआ करते थे और यही आजम खान एक इलाके के सरगना हुआ करते थे। क्या किया इन्होंने? जो विद्यालय बनाया उसमें किसकी जमीन ली इन्होंने? क्यों, किस तरीके का आरोप इनके ऊपर लगा है? आज ये जेल की बातें करते हैं तो जेल में क्यों थे ये साहब? ये कभी बताते हैं? जेल में कोई पुण्य काम करके ये नहीं पहुंचे थे? अपने बेटे के लिए, अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए इन्होंने हिंदुस्तानी जो कायदा है उसको इन्होंने तोड़ा, उस पर ये बात नहीं करते? ये इमोशनल बात करते हैं, इमोशनल अत्याचार करते हैं। आज तो मैं लगातार देख रहा हूँ जो भी भाषण आजम खान देते हैं इस समय, उस समय आंसू गिरा रहे हैं। अरे साहब, इतना शानदार काम आपने किया है तो इतने आंसुओं की जरूरत क्या है? अरे पूरा रामपुर डूब जाएगा आपके आंसुओं में अगर आप इतने आंसू गिराएंगे। अरे अपना काम बताइए ना, समाजवादी पार्टी के समय में आपने क्या काम किया ये बताइए ना। जो आपने यूनिवर्सिटी बनाई जिसको आप कहते हैं कि दामन फैला करके हमने लोगों से पैसा मांगा, अरे साहब किससे एकत्रित किया? अभी पिछला भाषण हुआ था आपका, मंच पर आप ही कह रहे थे कि रामपुर के किस आदमी ने हमें यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसा दिया। अरे साहब, पैसा आप कहां से लेकर के आए ये भी जनता को बताइए, ये भी दुनिया जानना चाहती है। बेवजह इमोशनल अत्याचार मत कीजिए। रामपुर के लोग अच्छी तरीके से जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है, क्यों रहना है। इससे पहले भी उन्होंने इशारा कर दिया, लोकसभा में उन्होंने आपको हराया ना, आम चुनाव में उन्होंने आपको हराया ना। क्यों हराया? क्योंकि हमने शानदार काम किया, हमने रामपुर की तस्वीर बदली, जो दूसरे इलाके हैं उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर बदली। योगी जी और मोदी जी के शासन में अगर परिवर्तन आ रहा है, तब्दीली आ रही है ना, तभी ना हम लगातार जीत रहे हैं। ठीक है, लगातार आप जीत रहे हैं। के बाद आएंगे जवाब लेंगे इसका, लेकिन नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन बने हुए हैं। नितिन ये बताइए कि जिस तरीके से परिवार का पूरा मामला है, शिवपाल केंद्र में आ गए हैं, सुरक्षा घटाई गई, अब ये माना जा रहा है कि दफ्तर जो दिया गया था वो भी वापस हो सकता है, लेकिन जो रामपुर से चीजें बार बार उठ रही हैं, क्या रामपुर का विषय भी मैनपुरी में चर्चा का विषय है या फिर परिवार पर ही चीजें अटकी हुई है? ठीक है, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आजम खान ने जो विवादित बयान दिया और कहा कि किस तरीके से अगर हमने, हमारी चार चार सरकारें नहीं और जुल्म व सितम किया होता तो पेट में पल रहा बच्चा पूछता कि आजम खान से कि बाहर आना है कि नहीं। केशव मौर्य ने इस पर पलटवार किया। केशव मौर्य से जब एबीपी गंगा ने इस पर सवाल किया तो उप मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जुल्म व सितम की इंतहा हो गई, तभी तो सत्ता, जनता ने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया और आप किस मुंह से जुल्म व सितम की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा केशव मौर्य ने कि आजम खान लगातार घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और वहाँ रामपुर से लेकर खतौली और खतौली से लेकर मैनपुरी हर तरफ कमल खिलने वाला है। तो कुल मिला के एक तरफ आजम खान पर केशव मौर्य हमला बोल रहे हैं, कहा जाए जो सियासी पारा है वो मैनपुरी का इस कदर कहा जाए हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है कि लगातार शहमात का खेल चल रहा है। पेंडुलम के सवाल पर भी कहा कि उप मुख्यमंत्री ने जो अभी थोड़ी देर पहले खंदौली गिरोर कस्बे से निकल कर गए हैं, उनका कहना है कि ये वाकई में शिवपाल सिंह यादव एक अस्थिर व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका भतीजा ही लगातार उनको फुटबॉल की तरह घुमाए हुए था, बेइज्जत कर रहा था। इसके साथ ही उन्होंने, केशव मौर्य ने सिक्योरिटी कम करने की बात पर भी कहा कि जब चाचा और भतीजे आपस में लड़ रहे थे तो एक दूसरे की जान को खतरा था, इसलिए हमने शिवपाल सिंह यादव की सिक्योरिटी को जेड श्रीडी का किया, लेकिन जब दोनों एकजुट हो गए हैं तो अब जनता को खतरा हो गया है, इसलिए हम उनकी सिक्योरिटी, जो एक विधायक सांसद का जो प्रोटोकॉल में निर्धारित सिक्योरिटी होती है, उस सिक्योरिटी को दे रहे हैं, 22 श्रीडी की सिक्योरिटी दी है, तो इसमें ऐतराज क्या है? तो कुल मिला के कहा जाए वार पलटवार का खेल चल रहा है, शहमात का खेल चल रहा है। राम गोपाल यादव चुनाव आयोग शायद वो कुछ कहना चाहते हैं, आलोक जी के पास भी जाएंगे, बात कर रहे हैं मैनपुरी के महायुद्ध में शोलो भरा संदेश सियासी दांव पे जारी है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, ब्रेक से पहले जब नितिन ये बता रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब दोनों भाई लड़ रहे तब सुरक्षा की जरूरत थी, अब जब दोनों एक हो गए तो कम सुरक्षा की जरूरत है, तो आप मुस्कुरा रहे थे, तो उस पर आपका हम रिएक्शन चाहते हैं। देखिए, जो सुरक्षा होती है वो एक गंभीर विषय होता है और क्योंकि मैं समझता हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य जी को ना तो जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ना उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तवज्जो देते हैं। जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उनको स्टूल पर बैठवा दिया था और उनके नाम की तख्ती तक उखड़वा दी थी कि उप मुख्यमंत्री कुछ नहीं होता, सचिवालय से उखड़वा के फेंकवा दिया।
तो ऐसे व्यक्ति को और जो अपना ही चुनाव हार गया है वो इस तरीके की बचकानी बयानबाजी करेगा तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही छवि को धूमिल कर रहा है कि दो लोग लड़ रहे हैं इसलिए उनको सुरक्षा दी। वो मुख्यमंत्री हैं और जो जिनसे लड़ने की बात कर रहे हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री है। तो इस तरीके की बचकानी बयानबाजी से हटना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी नहीं चाहिए। और आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी भी किस तरीके से जो देश के संसाधन हैं उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। जब तक उनको लग रहा था शिवपाल जी जो हैं वो अखिलेश जी से अलग हो जाएंगे तो आप उनको जेड सुरक्षा दे रहे हैं और उनको मकान दे रहे हैं, उनको पार्टी ऑफिस दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं। और जैसे ही आपने देखा कि उनका जो है रुझान अपने परिवार की तरफ ही है और वो आपके झांसे में नहीं आ रहे हैं तो जो उनकी सुरक्षा है वो कम कर दी जा रही है। बिल्कुल, ये जवाब ले लेते हैं आलोक वर्मा जी। करने वाली है क्या, पहले उम्मीदें थी शिवपाल यादव से, अब नहीं है क्योंकि यही बार बार सपा की तरफ से आरोप लग रहे हैं। देखिए मेजर साहब को कौन सी बातें बचकानी लग रही हैं, कौन सी बातें मैच्योर लग रही हैं, तो मेजर साहब अच्छी तरीके से समझते होंगे। लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं, 10 साल से शिवपाल जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। जब वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे तब उनको सुरक्षा मिली थी। बाद में परिवार में विघटन हुआ, पार्टी में विघटन हुआ, और क्योंकि सारे गुंडे मेजर साहब अच्छी तरीके से जानते हैं, सारे गुंडे जितने भी चेहरे हैं, चाहे अतीक अहमद की बात कर लें, चाहे मुख्तार अंसारी की बात कर लें, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नाम होगा, बुंदेलखंड में कोई तीसरा नाम होगा और रुहेलखंड में कोई चौथा नाम होगा, सारे के सारे गुंडे, सारे के सारे बदमाश समाजवादी पार्टी से क्यों जुड़ते हैं साहब? तो डर था योगी जी ने, उनको डर किस बात का? अब तो मुझे लगता है कि सुरक्षा घेरे में हो तो खुद ही कहते हैं हम सुरक्षा घेरे में हैं, सारे लोग वहीं हैं, अब डर किस बात का? अब उस तरीके की उनको मुझे लगता है डर की उस तरीके का भय नहीं है, उस तरीके का डर नहीं है, तो उनकी सुरक्षा थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन उसके अगर वो इतने ही बड़े गुंडे थे तो आपसे उनको सुरक्षा मकान पार्टी कार्यालय क्यों दिया हुआ था? वाजिब फोरम पे जाएं, वाजिब फोरम पे जाएं, मंच पे रोने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है, अरे सुन तो लीजिए साहब, अरे सुन तो लीजिए, अरे अगर डर है, दहशत है, डर है, अरे सुन तो लीजिए, मुझे आवाज सुन तो लीजिए, अगर डर है, किससे डर है जरा बताएं ना वो? अरे उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा किससे चाहिए? जेड श्रेणी की सुरक्षा किससे चाहिए जरा मुझको ये बता दीजिए, मुझको जरा ये बता दीजिए, अरे आप ही बता दीजिए, चलिए उनको जाने दीजिए, उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा किससे चाहिए? और अगर चाहिए, अगर कोई दहशत है, कोई डर है, कोई भय है, तो वाजिब फोरम पे जाए ना साहब, मंचों पर इस तरह के रोने की जरूरत क्या है? ठीक है, बिल्कुल सवाल दोनों तरफ से हैं और अपनी अपनी दलीलें भी हैं आप सभी का। जी, बिल्कुल, इन सवालों का जवाब भी देना होगा क्योंकि शिवपाल से करीबी कितनी बड़ी हुई थी ये कोई छिपी बात नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।